पानी। अब इतना सरल देव देखो कहीं मिलने वाला है क्या? सारे देवताओं के पूजन में तो सारी सामग्री चाहिए, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाओ, आभूषण पहनाओ, रतन पहनाओ, माणिक पहनाओ, मोती पहनाओ, ये पहनाओ, वो पहनाओ। शंकर जी को एक लोटा पानी, हर हर महादेव तीन बार। शिव जी की कथा कितनी विचित्र, वो कहते अगर पानी भी नहीं है चढ़ाने के लिए, तुम्हारे घर में मान लो जल भी नहीं है, बस तीन बार ताली बजा, और वो भी नहीं कर सकते तो शिव मंदिर के दरवाजे पर जाकर बम बम बोले बोल दो, वो भी नहीं कर सकते तो मात्र शिखर का दर्शन कर लीजिए। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, मात्र शिखर का दर्शन करो उससे भी सर्व पापों का नाश हो। जल चढ़ाने का भी एक तरीका है, और शिव महापुराण की कथा कहती है कि जल जो भगवान शिव को चढ़ाया जाता है उस तीन तरह का जल शंकर को समर्पित होता है। बहुत ध्यान से सुनना आज की कथा, तीन तरह का जल शिव को समर्पित होता है, और वो तीनों तरह के जल का अलग अलग भाव है महाराज। पहला जल सादा, घर से पानी लेकर गए, जल लेकर गए, शंकर को चढ़ाया, वो हमने घर का अपना एड्रेस बता दिया, भगवान शिव को जल चढ़ाकर अपने आनंद के लिए शंकर से कुछ प्राप्त कर लिया। दूसरा जल, जल के कलश में थोड़ा सा इत्र डालकर शंकर को जब समर्पित करते हैं तो महाराज घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत रोगी ला, बहुत रोगी ला, एक प्रैक्टिकल जरूर करना हो, कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए प्रैक्टिकल जरूर कर हो, प्रैक्टिकल करने में पीछे मत हटना, और प्रैक्टिकल करने के बाद लिख के भी भेजना कि हमने करा, डरना नहीं है अपने को। शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, नारद पुराण में, बरहा पुराण में, वामन पुराण में जितनी चीजें लिखी गई है एक एक प्रैक्टिकल कर देखो, तो शिव महापुराण स्कंद पुराण का ये भाव याद करिए। कि एक लोटे पानी में इत्र मिलाकर, जल में इत्र मिलाकर, बहुत रोगीला व्यक्ति, बहुत बीमार व्यक्ति है, एक लोटा पानी उसका हाथ का स्पर्श कराकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। महाराज केवल 5 या 7 दिन चढ़ाओ, और वो 7 दिन के बाद में उस बीमार व्यक्ति का क्रम देखिए कि उसमें कितना आराम लगा है। औषधि दवाई काम करना प्रारंभ करी कि ना करी, केवल इत्र समर्पित, इत्र का जल। तो पहला जल सादा, दूसरा जल है इत्र का, और महाराज तीसरा जल जो शिव महापुराण के अंतर्गत कहा गया है बेल पत्र का जल। तीसरा जो जल है वो बेलपत्र का जल। बेलपत्र का जल कैसा? तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है कि जल के पात्र में एक बेलपत्र अंदर डालकर उस जल के पात्र को ले जाकर शिव को समर्पित करना, अर्थात अपनी मन की कामना भगवान शंकर से कह देना, केवल बेलपत्र के माध्यम, बोलना नहीं है हमको कुछ, हमें कुछ कहना नहीं है।